पीयू। ले ऑल द बेस्ट पीयू दी रॉकेट। ओ फिर से कब तक आ जाओगे? अभी पैर भी नहीं पड़े दहलीज के बाहर और तू लौटने का पूछने लग गई। अरे पहला दिन है काम का, जाऊंगी तो लौट कर यही आऊंगी ना, वहाँ बसने का इरादा तो है नहीं। इन माओ को चैन क्यों नहीं आता है? अब जा हमारी रणकपुर एक्सप्रेस। ये बात मारी समझ में ना आवे कि कोई बात ध्यान से सुन के समझ के सोच के फिर बोले ना, ये बड़बड़ 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 बोले जाए। अरे मारी सुन, मैं थारे को नहीं बोल रही थी, तू तो आएगी घर। मैं तुम्हारी सहेली से पूछ रही थी, सहेली सा कितने बजे तक आ जाओगे? ऑफिस का पहला दिन है, कब लौटोगे? भाई तू चल नहीं रहा क्या कॉन्फ्रेंस रूम? चलना यार, सुनने में आया है आज वो नई वाली लड़की ज्वाइन कर रही है और उसकी हिम्मत के चर्चे तो पूरे ऑफिस में है यार। क्या कॉन्फिडेंस है उसका, आते ही पहले दिन सीनियर के सामने प्रेजेंटेशन देने वाली है, मानना पड़ेगा उसे। हाँ चल चल चलते हैं। अरे नहीं यार तुम जाओ, मुझे काम बहुत है। सर नई लड़की आई, उसके आईडी पे आपकी साइन चाहिए। प्रियंका कोठारी। यस सर। ये है वो नई लड़की? हाँ यही है। इसकी प्रेजेंटेशन तो जरूर देखनी पड़ेगी। ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूं। अच्छा अपने नए बॉस से मिलने के लिए तैयार हो जाओ प्रियंका कोठारी। जॉब का पहला दिन कभी ना भूलने वाले एक सपने की तरह तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करें? जस्ट अ मिनट। अपने इमीडिएट बॉस की परमिशन के बिना तुमने स्टार्ट कैसे कर दिया? सॉरी। शायद तुम कुछ भूल रही हो। अपने सीनियर से ऐसे बात करते हैं? सॉरी के बाद सर नहीं सुना मैंने। सॉरी सर। गुड, यू मे स्टार्ट नाउ। As per our past records, ये कैसे हुआ? Let me help you. I think, check this. Oh God. क्या है? सोशल मीडिया पर अभी तक तुमने मेरे पिक्चर सेव कर रखे हैं? आई मीन कम ऑन प्रियंका, अब तो मेरे ऑब्सेशन से बाहर आ जाओ। हम मेरी शादी हो चुकी है और ये सब छोड़ के अपने काम पर फोकस क्यों नहीं करती हो? उन क्या है ये सब यार? तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? हाँ मैडम को प्यार हो गया था मुझसे, इतना ही नहीं मैडम ने प्रपोज तक किया था मुझे। पीछे ही पड़ गई थी मेरे, कह रही थी जान दे दूंगी मैं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। क्या बात कर रहे हो, इस हद तक ये लड़की गले पड़ गई थी? बट मैंने ऑब्वियसली मना कर दिया, मिन्नतें करती रही, बट ये मेरे लिए बहुत देसी है। पता नहीं गांव की कौन सी पाठशाला से पढ़कर आई, बोलना भी नहीं आता इसे। तुम लोग बताओ कोई मैच है?
तुम लोग ही हंसी उड़ाते मेरी अगर मैं इसके साथ आ जाता तो कहते कि पता नहीं तरुण कहां गांव खेड़े से उठा लाया है। वेल, जिस तरह ये मेरे पीछे पड़ी थी उसी तरह किसी क्लाइंट को फंसा ले बस, तो हमारी कंपनी के बिजनेस में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। नहीं प्रोजेक्ट फाइल रेडी की है, आप देख लेंगे। हेलो मैडम, क्या है ये, क्या हरकत है ये? आज आपका ऑफिस में पहला दिन है और आते बस ऐसी हरकतें शुरू हो गई। आप कंट्रोल करिए जरा। बच गया तू भाई, बहुत तेज लड़की है ये तो। तरुण ने बिल्कुल सही कहा था इसके बारे में, आई नहीं कि बस शिकार करना शुरू कर दिया। बच के रहना पड़ेगा इससे तो। हाँ कुसुम आंटी, बेइज्जती पूरे ब्याज के साथ लौटा रहा हूं। ऐसा हाल करूंगा ना आपकी बेटी का कि ऑफिस तो क्या, घर से बाहर कदम रखने में भी रोएगी। आपका कैसा रहा आज का दिन? जरूर बहुत कमाल का होगा, मैं तो आपकी प्रेजेंटेशन देखकर ही समझ गई थी, आपने सबको सरप्राइज कर दिया होगा ना। जिस तरह ये मेरे पीछे पड़ी थी उसी तरह किसी क्लाइंट को फंसा ले बस, तो हमारी कंपनी के बिजनेस में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। नहीं कहाँ आए हो, कुछ गलत सलत तो ना हुआ ना? तू तो यही उम्मीद करके बैठी होगी ना कि मैं फेल होके आऊंगी, पर सॉरी इस बार मैं तेरी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाई। मेरा दिन बहुत अच्छा गया और प्रेजेंटेशन तो कमाल का था, सबको इतना अच्छा लगा कि 2 मिनट तक मेरे लिए तालियां बजाई और मेरे सीनियर्स को भी मेरा काम बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, प्रियंका और माँ दोनों का अच्छा दिन बहुत अच्छा गया है। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।